हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जबीन सुल्ताना। आज हम बनाने वाले हैं पास्ता, फुल वेजीज वाला पास्ता है। पास्ते के लिए हम कुछ चीज़ें लिए, जैसे कि पास्ता, डार्क सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप, कैरेट, कैप्सिकम, कोरिएंडर लीफ, लेमन एंड अमूल बटर, कुछ थोड़ा सा था मेरे पास, अमूल चीज़, अनियन, कैबेज, एक नाइफ। चलिए अब हम सारे चीज़ों को साइड में करके कटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी क्लिक कर दो। फर्स्ट अनियन काटे हम, लेमन इंतज़ार में है, कब मेरे को काटते हुए। ये देखो अनियन, हम थोड़ा मोटे मोटे काटते हैं। अगर बारीक काटे तो पक्के किधर कीच हो जाते, इसीलिए हम लोग को थोड़ा मोटे मोटे चाहिए। अगर आपको बारीक चाहिए तो आप बारीक काट सकते हैं। साइड्स काटने के बाद पूरी अनियन कट कर लो। इस तरीके से नेक्स्ट कैरेट कट करें हम। इस तरीके से थोड़ा मोटे मोटे और थोड़ा छोटे छोटे। इसको लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं। नेक्स्ट कैप्सिकम काटे हम। शिमला मिर्च ये पुरानी वाली शिमला मिर्च थी हम लोग के घर में, तो हम वही यूज़ कर लिए। कलरफुल पास्ता बन रहा है, फुल वेजीज। ये हम हाफ से भी कम यूज़ करें,
एक, हाँ इतना यूज़ करें हम। ऐसा करने से वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। ये हो गया रेडी। नेक्स्ट लेमन कट करें हम। कोरिएंडर, नेक्स्ट हम पास्ता लिए। ये कप से, वो कप से हम 2 कप्स लिए। टू कप्स पे और थोड़ा ऐड करें। थोड़ा सा नेक्स्ट अब पानी बॉईल करने रख दिए। 2 ग्लास ऑफ वाटर लिए हम। अब इसमें बॉईल आने तक वेट करें सॉल्ट ऐड करके। बॉईल आ गया, पास्ता ऐड कर दिए हम। थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। देखो ऑयल ऐड करने से पास्ता चिपकता नहीं, एक दूसरे से चिपकता नहीं पास्ता। देखो पकना शुरू हो गया। ये देखो अब हम बनाएंगे सॉस। ये है टमाटो केचप 2 टेबलस्पून, डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स। मिक्स होने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दो। अब पास्ता रेडी हो गया। अब इसको निकाल कर ये देखो अच्छे से पक गया। अब निकाल कर ठंडे पानी से वॉश कर लो। कढ़ाई में हम बटर ऐड करें। बटर में अनियन ऐड करें, प्याज, थोड़ा सा पकने के बाद
आलू खपक गया। अब सारे वेजीज ऐड कर लो। हम लेमन भी डाल दिए। देखो लेमन निकाल लिए हम। अब इसको ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, थोड़ा सा कच्चापन गए तक पकाना इसको। कलरफुल वेजीज बटर ऐड करें, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करें कच्चापन जाने के लिए, कच्चे स्मेल जाने के लिए। इसके बाद मिक्स कर दिए। सॉल्ट ऐड करें हम। ब्लैक पेपर ऐड करें, रेड चिल्ली पाउडर ऐड करें, पास्ता ऐड कर दी। अब अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिक्स होने के बाद जो सॉस बना के रखे थे वो ऐड कर दिए। ये ऐड होने के बाद अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट्स अच्छा कुक होने देना इसको। ये देखो, नेक्स्ट लेमन ऐड कर दिए, मिक्स कर लिए। फिर पास्ता रेडी हो गया। गर्मा गर्म सर्व कर दो। हम चीज़ भी लिए थे पर ऐड नहीं करे। ये है बटर, एकदम यमी बना था। टमाटो केचप के साथ एंजॉय करो पास्ता। यमी यमी पास्ता। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।